जिस तरह के COVID-19 की जो दूसरी वेव है और जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है, उसके देखते हुए हम सारे व्यापारी वर्ग हमेशा सरकार के साथ रहे हैं और आगे भी सरकार का साथ देंगे। और मैं समझता हूँ जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने अपील की थी कि फेडरेशन वॉलंटरी अपनी तरफ से क्राउड कम करने के लिए कुछ करें, तो हमने सबसे बड़ी व्यापारी संगठन ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट ने पहल की थी, समय निर्धारित किया था, सुबह 9 बजे दुकानें खुलेंगी और शाम को 6 बजे बंद करेंगी, और क्राउड कम करने के लिए एक SOPs को लागू किया था जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो लागू नहीं हुई वो हमारे मार्केट में लागू हुई। नो मास्क नो एंट्री, जो मास्क नहीं डालेगा उसको अंदर नहीं आना दिया जाएगा, और जितने भी जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस के व्यापारी है वो ऑन टेलीफोनिक डिमांड देंगे और हम उनका राशन जो है उनके घर तक पहुंचाएंगे, यहां से आने की जरूरत नहीं है। और उसी को देखते हुए हमें सरकार ने 7 दिन काम करने का मौका दिया था और हम जो है अपनी सप्लाई लाइन ब्रेक करने के लिए हमने 7 दिन जो है हमारा जो कर्तव्य था कि सप्लाई लाइन ना टूटे और COVID-19 की जो चेन ब्रेक है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, जो काम हम 7 दिन में करते थे वो काम हमने 5 दिन में किया और वॉलेंट्री वीकेंड लॉकडाउन लगाया और हर सैटरडे और संडे को हमारी दुकानें जो है वीकेंड लॉकडाउन हुई। और उसके बाद जब सरकार ने 84 आवर का लॉकडाउन लगाया और हमारी फेडरेशन ने वॉलेंट्री उनको लॉकडाउन को एक्सेप्ट किया और 84 आवर का लॉकडाउन जो है हमारी फेडरेशन ने लगाया, मैं समझता हूँ थर्सडे से हमारी दुकानें जो है कंटिन्यू बंद है, संडे तक हमारी दुकानें बंद रही हैं। उससे क्या हुआ, हमें पूरी उम्मीद थी कि हम एसेंशियल सप्लायर हैं लेकिन सरकार का साथ देना है, हमने थर्सडे से हमारी संडे तक दुकानें जो है बिल्कुल बंद रही, तो उससे हमने सरकार का पूरा साथ दिया। जब हमने संडे को अपने DC महोदय साहब से बात की कि सर हमारी मार्केट जो पूरे जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस को डील करती है उसके लिए क्या आदेश है, तो उन्होंने हमें आदेश दिया कि 6 मई तक जो है आपकी दुकानें बंद रहेंगी। तो हमने भी खुशी से स्वीकार किया, हमने बोला ठीक है सर हम सरकार के साथ हैं और जो सरकार का आदेश है हम उसके साथ हैं, और हमने अपनी दुकानें जो है 6 मई तक बंद रखी हैं। लेकिन उससे ये हालात हो गए जो आज सुबह जब रिटेलर दुकानें खुली सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक और घर लोगों के अंदर पैनिक का माहौल फैल गया, उन्होंने जो राशन है वो 1-2 दिन का लेते थे या 3 दिन का लेते थे, उन्होंने 15-15 दिन का राशन जो है कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे रिटेलर जो है 80% जो दुकानें खाली हो गई हैं, जब 80% दुकानें जब खाली हो गई हैं तो उनके काफ़ी सारे फ़ोन आने शुरू हो गए और उनके प्रेसिडेंट यशपाल गुप्ता जी जो रिटेलर के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी मेरे से बात की कि जो हालात हैं और जो रिटेलर की दुकानें जो है ख़त्म हो गई हैं, आइटम जो ख़त्म हो गई हैं, और जो सरकार ने आज 16 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू को हटा दिया है उन सब डिस्ट्रिक्टों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे जो है राशन ख़त्म हो चुका है, और मैंने उनको यही सलाह दी कि हमारी जो सबसे बड़ी मंडी है और हमारे DC महोदय साहब से जब बात हुई तो उन्होंने हमें 6 मई तक बोला है कि बंद करने के लिए। तो ये सारा जो मामला मुझे देख के ये लग रहा है कि इसलिए आज आपको बुलाया है कि मतलब कि जो हालात बने हैं मुझे लगता है इस तरह से एसेंशियल जो सप्लाई लाइन चेन है वो ब्रेक हो जाएगी और लोग जो है घरों से बाहर आ जाएंगे।
मेरी आपसे मीडिया के माध्यम से श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील है और डिप्टी कमिश्नर राघव लंगर जी से भी अपील है कि सर पूरी स्थिति का जायजा करें और देखें जो लोगों के टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं हमें जितने भी रिटेलर्स के और जो 16 डिस्ट्रिक्ट के व्यापारियों के फ़ोन आ रहे हैं जिन्होंने जिनके पास कईयों के पास आलू ख़त्म हो गया है, कईयों के पास प्याज ख़त्म हो गया है और हमारे जम्मू शहर में नमक ख़त्म हो गया है और डोडा के अंदर चीनी ख़त्म हो गई है और पुंछ के अंदर खजूर ख़त्म है। वो कह रहे हैं ईद का त्यौहार आ रहा है, हमारे पास खजूर नहीं है। रमज़ान का त्यौहार आ रहा है श्रीनगर के अंदर और लोगों के अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास जो है असेंशियल आइटम की शायद कमी आ सकती है। ये सारी चीज़ें देखते हुए मेरी फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील है और हमारे डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर जी से अपील है कि ये सारी स्थिति देखते हुए आप विचार करें और जो होलसेल सप्लायर हैं हमारे वेयर हाउस नेहरू मार्केट और कनक मंडी उनको देखा जाए, जो असेंशियल सप्लाई करते हैं उनको कम से कम हफ्ते में 5 दिन काम करने का मौका दिया जाए और जो उनकी टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक वो निर्धारित की जाए ताकि हम सप्लाई लाइन की जो चेन है उसको ब्रेकडाउन जो ख़त्म करने से पूरी सरकार की मदद करें और COVID-19 की जो दूसरी लहर है उसको को भी ख़त्म करने के लिए हम सरकार की पूरी तरह से साथ हैं और सख्त SOP से पूरा पालन कर रहे हैं और हम नो मास्क नो एंट्री आप मेरे पूरे चारों तरफ देख सकते हैं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मास्क नहीं डाला है और फेडरेशन अपनी वॉलंटरी सैनिटाइज कर रही है 2 टाइम और फेडरेशन अपनी तरफ से सारी होलसेल सप्लायर को SOP जारी की है। आप जो है ऑन टेलीफोन हमें डिमांड दीजिए, हम जो है अपने लोगों तक पहुंचाएंगे और कम से कम मेरे पास इस समय 100 के ट्रक जो है अनलोड होने के लिए खाली करने के लिए तैयार है लेकिन हमारी दुकानें बंद हैं और इससे ये होगा कि होलसेल की जो सप्लाई चेन है जो हम स्टॉक इकट्ठा करते हैं उसमें भी कमी आ सकती है अगर ऐसे हालात रहे। तो मैं समझता हूँ डिविजनल कमिश्नर हमारे जो है काफ़ी एक्टिव हैं और मैंने देखा है उनकी एक्टिविटी देखी है